बिहार के छपरा में परसागढ़ दीपेश्वर विद्या निकेतन स्कूल में एक नाबालिग छात्रा से 7 महीने तक 19 लोगों ने गैंग रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। छात्रा ने 19 लोगों के खिलाफ नामजद FIR की, जिसके बाद पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल, एक टीचर को गिरफ्तार किया, तो वहीं टीचर एक फरार है। इस मामले में 15 छात्रों को भी आरोपी बनाया गया है, जो स्कूल में पीड़ित के साथ ही पढ़ते हैं। 4 आरोपी छात्रों को भी धर दबोचा गया है। पुलिस ने एक्शन जरूर लिया और केस दर्ज किया गया, लेकिन कुछ भी कहने को फिलहाल पुलिस अभी तैयार नहीं, ना ही पुलिस की तरफ से कोई बयान दिया गया। नाबालिग छात्रा से लगातार 7 महीने से गैंगरेप किया जा रहा था। छात्रा के मुताबिक 7 महीने से प्रिंसिपल, टीचर और छात्र उसे ब्लैकमेल भी कर रहे थे। हालांकि छात्रा ने हिम्मत दिखाई और पुलिस में इसकी रिपोर्ट की, लेकिन स्कूल में एक छात्रा पर इतने महीने से अत्याचार होता रहा, इससे छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं। और बिहार में एक स्कूल में छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज ये मामले सामने आया है। आरोप किसी और पर नहीं बल्कि एक प्रिंसिपल के साथ 2 टीचर्स के अलावा 15 छात्रों पर भी लगे हैं। देश की सबसे बड़ी कलंक कथा के तौर पर इसे देखा जा रहा है। घटना बिहार के छपरा की है। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल उदय कुमार समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित लड़की के मुताबिक 7 महीने से प्रिंसिपल, टीचर्स, बाकी छात्र उसके साथ गैंगरेप कर रहे थे, उसकी असमत को तार तार कर रहे थे, उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। लड़की ने हिम्मत दिखाकर पुलिस में शिकायत की। अब इस मामले में गैंगरेप के आरोपी प्रिंसिपल समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की तलाश तेजी से जारी है। छपरा के DSP अजय कुमार सिंह ने कहा है कि पुलिस अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, बाकी आरोपियों की तलाश तेजी से जारी है। एकमा थाना में कांड दर्ज हुआ है, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल और संस्थापक भी हैं, उनके लड़का और कुल 19 अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लगाया गया है कि उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा था पिछले दिसंबर से। इस घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसमें कुल 6 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। और बिहार में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर कांग्रेस और RJD ने कहा है कि बिहार में अब सिर्फ अपराधियों का शासन है और यहां कोई सुरक्षित नहीं है, यानी सियासत अब इस पर शुरू हो चुकी है। शिक्षक जिनको हम इस समाज को सुधारने का जिम्मेदारी समाज ने सौंपा है, बच्चों के वो अभिभावक होते हैं स्कूल में, और वो जब इस तरह की काम करने लगते हैं अपने सहकर्मियों के साथ, तो आज बच्चियां कहां सुरक्षित रहेंगी। तो इस पे ध्यान देने की मैं बार बार बात करती हूँ कि राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह के आरोपियों पे शीघ्र कार्रवाई करें और इस तरह को घटना को अंजाम देने से रोके कि बच्चियां अपने आप को नीतीश सरकार में सुरक्षित महसूस करें, जो कि आज हम लोग सिर्फ सोचने भर का काम कर रहे हैं। बहुत बद से बदतर स्थिति लड़कियों के साथ आज हो गई है बिहार। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बिहार में जितनी चर्चा की जाए वो कम है। यहाँ निरंकुश राजा हो गए हैं, प्रशासन निरंकुश हो गई है, इनसे स्टेट संभाल नहीं रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चौपट है, यहाँ पे मनमानी हो रही है, प्रशासन से डर खत्म हो गया है, सरकार से डर खत्म हो गया है, और अब समय आ गया है कि राष्ट्रपति शासन लगे। बिहार BJP जदयू से संभालने वाला नहीं है, ये लोग बिहार को चौपट कर दिए हैं। तो देश में ऐसे भी स्कूल है जहां माता पिता बच्चों का भविष्य सवारने के लिए उन्हें भेजते हैं, लेकिन वहां पर किस तरह से कलंक कथा निकलती है वो यहां पर सामने। लेकिन इस बीच आपको समझाते हैं कि आखिर क्या क्या कुछ इस मामले में हुआ। दरअसल छपरा में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रिंसिपल, 2 टीचर्स और 15 छात्रों पर गैंगरेप का आरोप यहां पर लगा है। छात्रा के मुताबिक दिसंबर 2017 से उसके साथ ये गैंगरेप यहां पर हो रहा था। स्कूल के बाथरूम में कुछ छात्रों
तस्करों ने उसका गैंगरेप किया था, उसे बंद कर दिया गया था बाथरूम के अंदर। आरोपियों ने दरिंदगी का वीडियो भी बना लिया था ताकि उसे आगे ब्लैकमेल किया जा सके, और ऐसा ही हुआ। छात्रा को ब्लैकमेल करके दरिंदगी का यह सिलसिला लगातार जारी रहा, 6 से 7 महीने ये सब चलता रहा। छात्रा ने वारदात की शिकायत प्रिंसिपल से की थी, बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन प्रिंसिपल मदद करने की बजाय छात्रा के साथ रेप करने लगा। उसकी अस्मत को तार-तार कर दिया गया। दो टीचर्स भी पीछे नहीं रहे, छात्रा के साथ इन्होंने भी रेप का किया। 7 महीने तक मासूम के साथ ये दरिंदगी चलती रही। लेकिन इस बीच जी हिंदुस्तान सवाल खड़ा कर रहा है, जिसके जवाब सामने आने जरूरी हो जाते हैं कि बिहार में क्यों नहीं रुक रही है बेटियों के साथ ये दरिंदगी, महिलाओं के साथ ये दरिंदगी। प्रशासन के दावों के बावजूद आखिर ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही है, इस सवाल का जवाब यहां आना बेहद जरूरी है। साथ ही क्या दुशासन नीतीश कुमार के सुशासन पर अब भारी पड़ रहे हैं, वो दुशासन जो कि अस्मत को तार-तार करते हैं। क्या बिहार में खाकी का खौफ अब खत्म हो गया है, क्योंकि जिस तरह से प्रिंसिपल टीचर्स छात्र सामने आए, उसके बाद सवाल यह भी खड़ा होता है कब होगी महापाप में शामिल बाकी दरिंदगों की गिरफ्तारी, जो कि बेहद जरूरी नजर आती है। और बिहार में महिलाओं के खिलाफ क्राइम को लेकर भी आपको बताते हैं, 13 जून 2018 को गया के सोनडीहा गांव में डॉक्टर की पत्नी और बेटी से गैंगरेप किया गया। वहीं पर 22 अप्रैल 2018 मुजफ्फरपुर में 9 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या कर दी गई। तो हम आपको वो मामले यहां पर बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये मामले यहां पर सामने आए। 22 अप्रैल 2018 मुजफ्फरपुर में 9 साल की बच्ची की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। 11 अप्रैल 2018 सासाराम में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया। 16 जून 2018 नालंदा के सरमेरा में नाबालिग से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 13 जून 2018 को गया के सोनाडी गांव में डॉक्टर की पत्नी और बेटी से गैंग रेप किया गया। और मामलों की फहरिस्त यही नहीं रुकती है, ये बहुत लंबी है।